हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है संडे, तो आज का ये मिनी व्लॉग स्टार्ट करता हूँ मैं। आज आपको बताऊँगा कि हम जो सैंडविच और कोल्ड कॉफ़ी है वो कैसे बनाते हैं। आप 5 मिनट में अपने घर खुद से कोल्ड कॉफ़ी और सैंडविच बना के खा सकते हो, एक नंबर वाले। तो सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए प्याज, टमाटर और खीरा। तो यहाँ पर मैंने लिया है छोटा सा खीरा, एक प्याज, आधा टमाटर, क्योंकि हमें बनानी है सैंडविच दो ही, मेरी और बंटे की। पहले आपको इनको छोटा छोटा काटना है, तो मैं काटता हूँ इनको। तो अभी मैंने खीरा, प्याज, टमाटर काट लिया है छोटा छोटा। टमाटर का आपको ये अंदर वाला नहीं लेना, नहीं तो आपकी जो सैंडविच है वो करकरी नहीं बनेगी। अभी हमने ली है 2 ब्रेड, इसके ऊपर हम प्याज, टमाटर, खीरा डालेंगे और कुछ नहीं डालना है। तो हमने प्याज, टमाटर, खीरा डाल दिया। अभी हम डालेंगे इसमें अमूल चीज। मैं अमूल चीज यूज करता हूँ, आप कोई भी चीज डाल सकते हैं। और इसको हम ऐसे नहीं डालेंगे, इसका जो ये क्यूब है इसको हम ऐसे कस करके डालेंगे। तो अभी मैं इसके ऊपर चीज डाल देता हूँ। चीज सेपरेट मैंने कर दी है दोनों सैंडविच पे। इसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है ग्रीन फ्लेक्स। चीज डालने के बाद हम डालेंगे इसमें ग्रीन फ्लेक्स। इससे टेस्ट आपका बड़ा इनहेंस हो जाता है। ये आप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। इसको हम इस पे डाल देते हैं। अब सैंडविच अपनी तैयार हो गई है। अब इसको करना है कवर। कवर करने से पहले इस पे हम लगाएंगे टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप। ये हमने टोमेटो केचप इस पे पूरा लगा दिया है। बस अपनी जो सैंडविच है ऑलमोस्ट बन गई। अब इसको कवर कर देंगे। इसके बाद अगर आपको ग्रिल सैंडविच खानी है तो हम इसको पहले ग्रिल करेंगे। ग्रिल करने के लिए इस पे थोड़ा सा बटर लगाना है, तो इस पे हम बटर लगाएंगे दोनों तरफ और फिर इसमें ग्रिल करेंगे। अभी हमने बटर लगा दिया है दोनों तरफ से, अच्छी तरह से बटर लगा दिया। अब हम इसको करेंगे ग्रिल। तो इसको कर देते हैं बंद। अगर आपके पास ये ग्रिल मशीन नहीं है तो आप इसको तवे पे भी बना सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, बटर लगा के तवे पे सेकना है। अब हम इसको कर देते हैं ऑन। जैसे ये लाइट बंद होगी मतलब आपकी सैंडविच रेडी। अभी सैंडविच के बाद हम बनाएंगे कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी के लिए हमें चाहिए मिक्सी, और मिक्सी में हम लेंगे जार में थोड़ा सा पानी। इस पानी में हम डालेंगे कॉफ़ी और चीनी। तो डाल लेता हूँ मैं अपने स्वाद अनुसार। अभी हमारी सैंडविच इधर बन रही है, बनी नहीं है, देखो भाप निकलनी स्टार्ट हो गई, जस्ट बनने वाली है। इधर मैं कॉफ़ी डाल देता हूँ। अभी लाइट ऑफ हो गई ये वाली, अभी कॉफ़ी डाल दी। अब मैं डाल देता हूँ इसमें शुगर, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। 2 कप के लिए इतनी शुगर इनफ होती है। अभी हम डालेंगे हर्षी, ये चॉकलेटी फ्लेवर है, इनहेंस करता है टेस्ट को। इसको पूरा डिजाइन के साथ डालेंगे। इस तरह से हमने अपनी कोल्ड कॉफी और सैंडविच रेडी कर ली, और अब हम इसे खाते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी डिलीशियस बनी है कोल्ड कॉफी सैंडविच। अभी खाते हैं।